गत 24 दिसंबर 2023 को चंपारण सत्याग्रह के स्वतंत्रता सेनानी व जगतपुर महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष बाबू शिवनाथ सिंह और क्षेत्र के अन्य गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन वृत्त पर आधारित एक पुस्तिका नमन स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण समारोह जगतपुर महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर थे। पुस्तिका विमोचन के उपरांत माननीय अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा, कर्मठ योद्धा के रूप में नई पीढ़ी की नियति का भी मार्गदर्शन किया और 1971 यानी ऐसे समय में जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की नींव पड़ी जब इस इलाके में सृजनशील युवा प्रतिभाओं को तराशने की सख्त जरूरत थी और इसे महसूस भी किया जा रहा था। मैं मानता हूँ किसी भी सभ्य समाज की क्रांति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब शिक्षा के द्वारा समान अवसर का सिद्धांत व्यवहारिक रूप में स्थापित न हो जाए। अगर समाज में सामाजिक आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले ज्ञान संपदा अर्जित करना, ये मैं समझता हूँ, सबसे आवश्यक होता है। शिक्षा परम जीवन को उपलब्ध करा सकती है। शिक्षा का लक्ष्य समाज में ज्ञान विज्ञान नई खोज उद्यम के अनंत अवसर का प्रवाही उत्पन्न करता है और इसलिए बाबू शिवनाथ सिंह जी ने शिक्षा को परिवर्तन का आधार भी बनाया और माध्यम भी बनाया। आज मैं कह सकता हूँ राष्ट्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की रफ्तार में जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय एक बड़ी ताकत के रूप में इस अंचल में उभरा। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं अमृत काल में उन गुमनाम सेनानियों को स्मरण करने में यह पुस्तिका प्रेरणात्मक है। गुलामी की मानसिकता से निकलना पड़ेगा। बहुत ऐसे चीजें हैं जो ये दर्शाती है गुलामी की मानसिकता, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोग एक छोटा सा भी काम करता है तो चाहता है कि मेरे परिवार का मेरा नाम उस पर अंकित हो जाए। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इस जगह का कोई कीमत नहीं है। और कहीं भी विद्यालय में कि डोनर परिवार में आता है परिवार विद्यालय डोनर के नाम पे आता है कि हाँ बाबू शिवनाथ सिंह जी ने डोनर के रूप में प्रोड्यूस किया था, लेकिन अपने नाम पर विद्यालय न खोल के इस गांव के नाम पर विद्यालय खोलने का काम किए जहां उनका जन्म हुआ था, एक इतिहास बताता है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला ये पर्व क्रिसमस डे विगत 25 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ा दिन के नाम से विख्यात ये दिन ईसाई समुदाय के बीच बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पच्चीस दिसंबर जो कि बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है और आज हम लोग के यहाँ ये पर्व मनाया जा रहा है जिसमें कि यीशु मसीह जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, जो यहाँ पे लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो उनसे उन्हीं के बारे में जानने के लिए, जो हम लोगों ने कैंडल को जलाने का यहाँ पे चल रहा है, वो यीशु मसीह जगत की ज्योति थे इसलिए वो कैंडल को जलाया जा रहा है। और यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार गौशाले में हुआ उसको दर्शाते हुए हम लोगों ने चरनी को सजाया है। और यहाँ पे चर्च में हम लोग के जो कि है सभी धर्मों के लोग आज के दिन आकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव का दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे वो ये सोचते हैं, मतलब उनका मानना है हम लोग का कि आज जो विश मांगते हैं वो पूरी होती है।
वैसे तो क्रिसमस पर्व की तैयारी 25 दिसंबर से पहले ही शुरू हो जाती है और क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना सभा सुबह से ही होने लगती है। चर्च में कैरल गीत गाए जाते हैं, लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और खुशियां बांटते हैं। जैसा कि ये कैंडल जो जलाया जाता है, इसमें ये इस बात को दर्शाता है कि जिस प्रकार हम मतलब कि हमें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार प्रभु की ये ज्योति हमारे जीवन में जलती रहे। आयोजन में था यह हमारा जो स्तुति आराधना प्रभु के जन्म खुशी में हम लोग जो गीत गाते हैं और बच्चों का डांस वगैरह कराए हैं और सारे कार्यक्रम हम लोगों ने कराए हैं परमेश्वर के जन्म की खुशी के अवसर। जनपद वाराणसी के कई गिरजाघरों में क्रिसमस पर्व पर विशेष आयोजन किए गए। लोग बाग एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ गले मिल रहे थे। क्रिसमस पर्व ईसाई समुदाय के लिए वाकई बड़ा दिन है।